आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज आयुर्वेद समाधान के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं त्वचा रोगों को आयुर्वेद के आधार पर ही आप ठीक कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट। तो सबसे पहले आयुर्वेद समाधान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जरूरी जानकारी आपको यूं ही प्राप्त होती रहे। आयुर्वेद समाधान पर दी गई जानकारी वैद्यों की राय पर आधारित होती है। चलिए जान लेते हैं त्वचा रोगों को ठीक करने के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। नहाते समय नीम के पत्तों को पानी के साथ गर्म करके फिर उस पानी को नहाने के पानी के साथ मिलाकर नहाने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। नीम की कोपलों यानी नए हरे पत्ते जो टहनी के ऊपर लगे होते हैं उनको सुबह खाली पेट खाने से भी त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। त्वचा के घाव ठीक करने के लिए नीम के पत्तों का रस निकालकर घाव पर लगाकर उस पर पट्टी बांध लेने से घाव मिट जाते हैं। ध्यान रहे कि इस पट्टी को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। मूली के पत्तों का रस त्वचा पर लगाने से किसी भी प्रकार के त्वचा रोग में राहत हो जाती है। रोजाना तिल और मूली खाने से त्वचा के भीतर जमा हुआ पानी सूख जाता है और सूजन खत्म हो जाती है। मूली का गंधकीय तत्व त्वचा के रोगों से मुक्ति दिलाता है। मूली में क्लोरीन और सोडियम तत्व होते हैं। ये दोनों तत्व पेट में मल जमने नहीं देते हैं और इस कारण गैस या अपचा नहीं होता। मूली में मैग्नीशियम की मात्रा भी मौजूद होती है। ये तत्व पाचन क्रिया नियमन में सहायक होता है। जब पेट साफ होगा तो चमड़ी के रोग होने की नौबत ही नहीं होगी। हर रोज मूली खाने से चेहरे पर हुए दाग, धब्बे, झाइयां और मुहासे ठीक हो जाते हैं। त्वचा रोग में सेब के रस को लगाने से उसमें राहत मिलती है। रोजाना एक या दो सेब खाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। त्वचा का तैलीयपन दूर करने के लिए एक सेब को अच्छी तरह से पीसकर उसका लेप पूरे चेहरे पर लगाकर 10 मिनट बाद चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लीजिएगा। तैलीय त्वचा की परेशानी ठीक हो जाएगी। खाज और खुजली की समस्या में ताजा सुबह का गौमूत्र त्वचा पर लगाने से आराम मिलता है। जहाँ भी फोड़े या फुंसी हुए हों वहाँ पर लहसुन का रस लगाने से फौरन आराम मिलता है। लहसुन और सूरजमुखी को एक साथ पीसकर पोटली बनाकर गले की गांठ यानी कि कंठमाला की गिल्टियों पर बांधने से लाभ जरूर मिलता है। सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियों को डालकर उसे गर्म करके यानी हल्का गर्म करके उसे त्वचा पर लगाया जाए तो खुजली और खाज की समस्या दूर हो जाती है। सूखी चमड़ी की शिकायत रहती हो तो सरसों के तेल में हल्दी मिश्रित करके उससे त्वचा पर हल्की मालिश करने से त्वचा का सूखापन दूर हो जाता है। हल्दी को पीसकर तिल के तेल में मिलाकर उससे शरीर पर मालिश करने से चर्म रोग जड़ से खत्म होते हैं। चेहरे के काले दाग और धब्बे दूर करने के लिए हल्दी की गांठों को शुद्ध जल में घिसकर उसके लेप को चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। करेले के फल का रस पीने से शरीर का खून शुद्ध होता है। दिन में सुबह के समय बिना कुछ खाए खाली पेट 1 ग्राम का चौथा भाग करेले के फल का रस पीने से त्वचा रोग दूर होते हैं। दाद, खाज और खुजली जैसे रोग दूर करने के लिए त्वचा पर करेले का रस लगाना चाहिए। रुई के फोए से गाजर का रस थोड़ा थोड़ा करके चेहरे पर और गर्दन पर लगाकर उसके सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लेने से स्किन साफ हो जाती है और चमकने लगती है। रोजाना सुबह 1 कप गाजर का रस पीने से हर प्रकार के त्वचा रोग दूर होते हैं। सर्दियों में त्वचा सूखने की समस्या कई लोगों को होती है। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए रोजाना गाजर खाने से त्वचा का सूखापन दूर होता है। पालक और गाजर का रस समान मात्रा में मिलाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से सभी प्रकार के चर्म रोग यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। गाजर का रस संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन दूर करने वाला और कीटाणु नाशक यानी कि एंटीवायरल होता है। गाजर खून को भी साफ करता है, इसलिए रोजाना गाजर खाने वाले व्यक्ति को फोड़े, फुंसी, मुहासे और अन्य चर्म रोग नहीं होते। काली मिट्टी में थोड़ा सा शहद मिलाकर फोड़े और फुंसी वाली जगह पर लगाया जाए तो तुरंत राहत मिलती है। तो ये थे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनसे आप अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। ये सारे नुस्खे वैद्यों की राय पर आधारित थे। अगर आपको कोई भी नुस्खा पसंद आया हो तो आप अप्लाई करके इसका कमाल देख सकते हैं।
और हाँ, इस तरह की जरूरी जानकारी आप यूं ही भविष्य में चाहते हैं तो आयुर्वेद समाधान के इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में हमें अपनी राय भी बताइए। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान।